भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो देखो भैया, ये तो सबकी अलग अलग गुरु आज्ञा होती है, जैसे गुरु आज्ञा प्रदान होती है, आज्ञा जैसे गुरु देते हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। पर एक विशेष चीज़ ये बस ध्यान रखिए कि सबकी दिनचर्या में थोड़ा समय तो भगवान के लिए निकालना ही चाहिए, बाकी और सारे काम आप जानो, पर कुछ समय भगवान के लिए निकालो। ब्रज में महाराज जी है, वो उनकी वाणी में हमने सुना है कि वो ये कहते कि तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 24 यहाँ जितने बैठे सबके जीवन में 24 घंटे है ना, 23 घंटे तो नहीं है किसी के जीवन में कि भगवान ने कोई भेदभाव किया हो भाई इसको 23 दे दिए। अब 24 घंटे में से आप 8 घंटे सो लो, आप 8 घंटे आप अपना नौकरी कर लो, धंधा कर लो, बिजनेस कर लो, उसके बाद कुछ घंटे खाने पीने के लिए निकाल लो, कुछ अपने मनोरंजन के निकाल लो, फिर भी सब काट पीट करके भी अगर आप दिल से जो कुछ भी नहीं कर रहा अभी, वो इतना भी इस कथा से सोच के जाए कि 24 घंटे में से 24 मिनट हम भगवान को देंगे, 24 घंटे में से 24 मिनट भगवान को देने, आपको बताओ कोई मुश्किल काम है? निकाल सकते हो? जो आदमी 24 घंटे में से 24 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल सकता ना, फिर तो हम कहेंगे कि उसका जीना इस धरती पर बोझ है, बेकार में जी रहा है वो, धरती का बोझ बन के जी रहा है। अरे जिसने जीवन दिया उसके लिए भी अगर इतना समय नहीं निकाल पाओ, 24 मिनट से शुरुआत करो, माला करो, भगवान का चिंतन करो। मैं कोई ये नहीं कहती आप बैठ करके ध्यान करो, पूजा में दो दो चार चार घंटे बस पद्धतियां ही निभाते रहो, नहीं, शुरुआत करो, फिर धीरे 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको ये कहा जाएगा कि अब बहुत हो गया ये छोड़ो, पर उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। हर श्वास पर, हर जीवन की घटना में उनका सुमिरन होगा, उनका नाम होगा। एक पंक्ति ई चल रहा, ई दिल की हर घड़ी, कैसा समय आएगा? बोले अभी आप 24 घंटे की बात कर रहे हो, फिर एक ऐसा समय आएगा कि एक सांस पर, हर धड़कन पर भीतर उनका सुमिरन चलेगा। अभी चला तो नहीं है, हमारा भी नहीं चला, तो अनुभव वाली बात नहीं कह रहे, पर सुनी सुनाई बात कह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा कि जब रात्रि को सो भी रहे हो तो सोते सोते भी कान लगाओगे तो भगवत प्रेमी के कान उसके मुख से आवाज आएगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वर्णन आता है महाभारत में, जब अर्जुन के पास रात्रि को श्री कृष्ण जा करके चरण दबा रहे थे तो द्रौपदी ने कहा कि इसके सर पे पाप क्यों चढ़ा रहे हो, तो बेचारा सो रहा है, इसको तो पता भी नहीं कि आप चरण दबा रहे हो। कृष्णा पादा बने जने, ठाकुर जी चरण दबाते उस अर्जुन के, भगवान ने कहते जानती हो क्यों दबा रहा हूँ, इधर आ। द्रौपदी को पकड़ के अर्जुन के कान के पास, मुख के पास कान लगाया और देखा कि सोता सोता अर्जुन कह रहा था कृष्ण 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 कृष्ण। कहते दिन भर का युद्ध में हारा थका अर्जुन, अगर रात को सोते तक भी मुझे भूलता नहीं है तो बता द्रौपदी भला मैं उसके पांव क्यों ना दबा, उसके चरण कैसे। हर श्वास हर धड़कन पर जब ठाकुर जी का नाम, कर भी दो दया मोहन हम भी तो तुम्हारे हैं, एक बार तो अपना लो जन्मों से तुम्हारे हैं। अगर इतने जन्मों से उनके हैं, उनका संबंध है, रिश्ता है, तो भला क्यों ना उनसे प्रेम, भला क्यों ना उनके उनका नाम हृदय से उच्चारण हो, प्रकट हो। तो
इसी स्थिति को ब्रज की गोपियों ने पा लिया था, इसीलिए भगवान ने उन पर कृपा करके एक ऐसा रस उनको प्रदान किया जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है, और वो रस था रास का, महारास का। भगवान ने कह दिया कि तुम मेरे पास आ जा, इसके बाद भी अगर नहीं जा रहे तो फिर भगवान बेचारा क्या करे। भगवान ने तो कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान बुला रहे हैं आ जा मेरे पास आ जा, सर्वधर्मान परित आ तो सही मेरी शरण में तो आ, और हम जाते ही नहीं, यहीं भटकते रहते, उनके पास पहुंचते ही नहीं। पर गोपियों ने सोचा आज देर नहीं करनी, ये मौका थोड़ी बार बार मिलता है कि साक्षात भगवान बुला रहा। तो गोपियां सारे कामों को वहीं के वहीं रोक गई। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया, अंजंतः काश्चलोचने, कोई गोपी काजल लगा रही, एक आंख में लगाया दूसरे में लगानो ही भूल गई और भागी। कोई गोपी ने होठ की लाली आंख में लगा ली, आंख को काजल होठ में लगा लियो। काई ने हाथ की चूड़ी कान में पहन ली, कान के कुंडल को हाथ में लटका के भग रही है। काई ने नीचे को लहंगा ऊपर पहन लियो, ऊपर को कपड़ा नीचे पहन लियो, पांव की पायल गले में, गले को हार पाम में, और महाराज सबरी बावरी हो गई और भागी बही। जैसे गंगा जी बह रही है ना, अब रास्ता में कोई पहाड़ आ जाए तो गंगा मैया रुकेगी थोड़ी उसके आने से, रास्ता ऐसे मोड़ के दूसरी जगह से निकल जाएगी पर बहना बंद नहीं करेगी। गोपियां भी प्रेम का प्रवाह है, बहती बहती बहती, नदी का अंतिम लक्ष्य क्या, सागर में जाके समा जाना। वैसे ही प्रेमियों का लक्षण क्या, बहते बहते अपने प्रियतम के चरणों में समा जाना। इसलिए गोपी बहती 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 कृष्ण के पास पहुंच गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि महाराज ये मत सोचना कि अच्छा 100 200 300 400 500 गोपियां ही होंगी, ए भैया इनकी संख्या करोड़ों से भी ज्यादा थी। बोले इतनी गोपी ब्रज में कहां से आ गई, इतनी तो जनसंख्या भी नहीं होगी। ले ये केवल ब्रज की गोपियां नहीं थी, ये जगत में जितने भी भगवान के प्रेमी हैं सब गोपी बन के आए, सब गोपी भाव लेकर के आज इस रास में पहुंचे, सब गोपी भाव लेकर के ठाकुर जी के सामने आ गए। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, आने का कारण पूछा, प्रियम किम करवाने वह। गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान उनके उत्तर से संतुष्ट हुए, गोपी को साथ लेके विहार करते हैं। विहार करते करते खूब आनंद चल रहा था रास का, लेकिन सौभाग्य मद, सौभाग्य का मद, ये कभी कभी सब पे पानी फेर देता है। गोपियों को सौभाग्य का मद आया, अभिमान आया, भगवान छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, चले गए। और कृष्ण के जाने का मतलब है कि गोपी का प्राण चला जाना, अब जीना भी पड़ रहा है और सांस भी नहीं आ रही, कैसे जिए कोई। किसी आदमी को गंगा में डुबकी लगा रहा और उसकी डुबकी लगा के उसका सर पकड़ के उसको नीचे ही रखो पानी में, अब बताओ कैसे जिएगा, झटपटाएगा, हाथ फेंकेगा, पांव फेंकेगा, तड़पेगा। अब जिससे उनका प्रियतम ही अलग हो जाए, दूर हो जाए, जो अभी तक आंखों के सामने खड़ा होके नाच रहा था वो आंखों से ओझल हो गया। गोपियों का रूह, गोपियों की शरीर रोम रोम तड़पने लगा, पुकारने लगा भगवान को, रो रो करके आवाहन करने लगी गोपियां भगवान को। जानती हैं कि ये जो हृदय की पुकार और आंखों के अश्रु, यही उसको पिघला सकता है, बाकी तो उसको पिघलाना आसान नहीं है, कोई योग बल से सिद्धि बल से उसको पिघला नहीं सकता। लेकिन जब वो भक्त के द्रवित हुए भाव को देखता है तो वो प्रभु उन आंसुओं में पिघल जाता है, बह जाता है।